गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शंस ऑफ द फेडरल काउंसिल। बेसिकली हम स्विट्जरलैंड के एग्जीक्यूटिव को पढ़ने वाले हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन को, उसके फंक्शंस को हम देखने वाले हैं कि फेडरल काउंसिल दैट इज द स्विस एग्जीक्यूटिव, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड उसके फंक्शंस क्या है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। ओके, एंड हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देख लिया था कि स्विस एग्जीक्यूटिव का इंट्रोडक्शन, दैट मींस फेडरल काउंसिल का इंट्रोडक्शन देख लिया था, एंड आफ्टर दैट हमने उसकी पेक्युलरिटीज की बात करी थी कि जो स्विस एग्जीक्यूटिव है उसकी पेक्युलरिटीज क्या है, दैट मींस उसकी यूनिकनेस क्या है, उस चीज की हमने बात करी थी इन द प्रीवियस वीडियो। सो इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए वो वीडियो देखिए, बिकॉज इंट्रोडक्शन के बिना आगे टॉपिक पढ़ने से मतलब नहीं। जब तक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस में भी क्लियर ना हो। सो आप पहले जाइए और वो वीडियो देख के आइए एंड फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस की बात करने वाले हैं फेडरल काउंसिल के। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब एंड फंक्शंस का मतलब हम क्लियर करते हैं कि हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में एंड फंक्शंस में क्या देखने वाले। सो ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि फेडरल काउंसिल के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, कितने मेंबर्स हैं, क्या सब है, तो वो चीज़ की हम बात करेंगे। एंड जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तब हम उस फेडरल काउंसिल के क्या काम है, मतलब उनके पास क्या क्या पावर्स है, वो क्या क्या वर्क करती है, किस किस चीज़ों में उनके पास पावर्स है, तो उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे जब हम फंक्शंस ऑफ फेडरल काउंसिल देखेंगे। एंड फंक्शंस जो है वो बहुत सारे सब टाइप्स में डिवाइडेड होंगे, कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शन होंगे, कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होंगे, कुछ जुडिशियल फंक्शंस होंगे, तो ऐसे सब टाइप्स में डिवाइडेड होंगे। सो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें फेडरल काउंसिल की, तो ये जो स्विस काउंसिल है, स्विस काउंसिल बोलो, स्विस एग्जीक्यूटिव बोलो या फेडरल काउंसिल बोलो, वन एंड दी सेम थिंग, ठीक है। तो ये जो स्विस काउंसिल है ये 7 मेंबर्स से मिलकर बनी हुई है जिनको फेडरल असेंबली चूज करती है। अब फेडरल असेंबली कौन है? इट इज द लेजिस्लेचर ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की लेजिस्लेचर को फेडरल असेंबली बोला जाता है। तो फेडरल असेंबली चूज करती है उन 7 मेंबर्स को, एंड कहाँ पे चूज करती है, तो जो जॉइंट सेशन होता है, जॉइंट सेशन मतलब दोनों हाउस का, अपर एंड लोअर हाउस का जो जॉइंट सेशन होता है वहां पे उनको चूज किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, 4 साल के लिए उन 7 मेंबर्स को चूज किया जाता है। हालांकि हमने देखा भी था कि उनका जो थ्योरेटिकली है वो 4 इयर्स का टेन्योर होता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में वो टेन्योर कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो जाता है, तो वो चीज हमने यहाँ पे देखी थी। नाउ सेकेंड पॉइंट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये कहीं भी मेंशन नहीं हुआ हुआ है कि जो फेडरल काउंसिलर्स होंगे, मतलब जो फेडरल काउंसिल के मेंबर्स होंगे, वो हमेशा जो है फेडरल असेंबली में से ही इलेक्ट किए जाए, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। हालांकि जब वो एज अ फेडरल काउंसिलर इलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें मेंबरशिप रिजाइन करनी पड़ती है फ्रॉम द फेडरल असेंबली। अगर आप जो है एज अ फेडरल काउंसिलर इलेक्ट हो गए हो तो आपको फेडरल असेंबली में से जो मेंबरशिप थी उससे रिजाइन करना पड़ेगा। एंड स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 96 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि हर एक कैंटन में से एक ही पर्सन इलेक्ट होना चाहिए एज अ काउंसिलर। अब यहाँ पर कैंटन क्या है, तो स्विट्जरलैंड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती है उन्हें कैंटन्स बोला जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर करने के लिए। सपोज इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है उन्हें बोला जाता है स्टेट्स, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया में इतने स्टेट्स है, इतने यूनियन टेरिटरीज है ना, तो वहां पर स्विट्जरलैंड में उस पूरी कंट्री के अंदर कितने स्टेट्स है, बेसिकली वो जो स्टेट्स वर्ड है उसको यहाँ पे कैंटन बोला गया है। सो वो चीज यहाँ पर बोली गई है। तो हर एक स्टेट या फिर मैं बोलूँ हर एक कैंटन में से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाना चाहिए एज अ फेडरल काउंसिलर। ये कौन बोलता है? ये स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96 ये बात करता है। ओके, तो आई होप आपको ये ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हुई होगी ऑफ द फेडरल काउंसिल और वी कैन से स्विस काउंसिल। बेसिकली ये हमने कुछ 4 पॉइंट्स देखे इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्विस काउंसिल और वी कैन से फेडरल काउंसिल। Now moving further to functions of Federal Council, that what are the functions of Federal Council
एज आई टोल्ड यू दैट वो जो फंक्शंस होंगे वो डिवाइडेड होंगे बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, इन सब में डिवाइडेड होंगे. तो हम आज वैसे ही सब हेडिंग वाइज जो है इनके फंक्शंस देखने वाले हैं फेडरल काउंसिल के, मतलब इनके पास क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स है, क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस, किनके पास क्या क्या लेजिस्लेटिव फंक्शन है या फिर किनसे क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स है, तो वो सब चीज़ हम देखते हैं. तो अगर मैं लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करूं तो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है. तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग, मतलब जो लॉज है, जो कानून है, उन्हें बनाने का काम होता है. तो यहाँ पे ये जो पावर्स होगी वो रिलेटेड होगी, लॉ मेकिंग से रिलेटेड पावर्स होगी. किसके पास होगी, लेकिन फेडरल काउंसिल के पास, मतलब थोड़ी बहुत एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेटिव से रिलेटेड कुछ पावर्स है. वो पावर्स क्या क्या है वो चीज़ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर हम लेजिस्लेटिव फील्ड की बात करें तो यहाँ पे फेडरल काउंसिल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हालांकि हमने देखा था कि अगर वो एज अ फेडरल काउंसिल इलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें मेंबरशिप रिजाइन करनी पड़ती है फ्रॉम द फेडरल असेंबली, दैट मीन्स लेजिस्लेचर से मेंबरशिप रिजाइन करनी पड़ती है. बट फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर जो फेडरल काउंसिल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द लेजिस्लेटिव फील्ड, और उनके पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं. एंड वो पावर्स क्या है वो अब हम देखते हैं. सबसे फर्स्ट पावर आती है, वो क्या करते हैं, वो मेजर्स को प्रिपेयर करते हैं एंड इनिशिएट करते हैं फेडरल काउंसिलर्स, ठीक है. कोई भी अगर मेजर्स है, कोई भी स्टेप है, तो उसको प्रिपेयर करना, उसको इनिशिएट करना जो है वो फेडरल काउंसिलर्स करते हैं, या तो खुद से या फिर फेडरल असेंबली के कहने पर वो इस चीज़ को इनिशिएट करते हैं या प्रिपेयर करते हैं. तो ये हमारी फर्स्ट लेजिस्लेटिव पावर थी कि वो क्या करते हैं, कोई भी मेजर्स, मतलब कोई भी स्टेप लेना हो तो उसको प्रिपेयर करके रखना, उसको इनिशिएट करना, मतलब उसको स्टार्ट करना, या तो खुद से या फिर फेडरल असेंबली के कहने पर. फेडरल असेंबली दैट मीन्स द लेजिस्लेचर ऑफ स्विट्जरलैंड, तो उसके कहने पर वो उन मेजर्स को इनिशिएट करते हैं या प्रिपेयर करते हैं. सेकेंड हमारी यहाँ पे पावर आती है लेजिस्लेटिव पावर, जो कि है फेडरल काउंसिलर्स के पास, वो ये है दैट हालांकि उनका हाउसेस में कोई भी वोट नहीं होता, जो अपर और लोअर हाउस होते हैं उनमें वो वोट नहीं दे सकते किसी भी डिसीजन के ऊपर, बट फिर भी वो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है उनकी, वो उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंड क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हैं, ठीक है. तो हाउसेस में हालांकि वोट तो नहीं होता है उनके पास कि किसी भी डिसीजन पे वो वोट दे सके, नहीं वो चीज़ तो नहीं होती है, बट यहाँ पर वो फिर भी एक्टिवली प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं. हाउसेस की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है, मतलब जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, मीटिंग्स होती है, उनमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंड उनके क्वेश्चंस का इवन रिप्लाई तक भी देते हैं. तो ये कुछ लेजिस्लेटिव पावर देखी. ना थर्ड नंबर पे आती है हमारी कि वो जो अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है उनकी मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं. कौन? फेडरल काउंसलर्स. फेडरल काउंसलर्स जितनी भी अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनकी मीटिंग्स अटेंड करते हैं. एंड वहाँ पर वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या करती है, जो भी बिल्स आते हैं, बिल्स क्या होते हैं, जब भी कोई चीज़ लॉ बनने से पहले प्रिपेयर की जाती है एज अ ड्राफ्ट, उसे अपन बिल्स बोलते हैं. तो जो भी बिल्स आते हैं उन्हें एग्जामिन करती है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एंड प्रेजेंट करती है किसके सामने, लेजिस्लेचर के सामने. मतलब लेजिस्लेचर के सामने उन बिल्स को प्रेजेंट करने से पहले वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या करती है, उन बिल्स को अच्छे से एग्जामिन करती है कि ये सही तो है ना, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, तो उनको पूरा अच्छे से एग्जामिन किया जाता है. एंड यहाँ पे फेडरल काउंसलर्स का क्या रोल होता है, तो यहाँ पे फेडरल काउंसलर्स जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं उन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे कि किसी चीज़ को लेके, जैसे इनकेस उन्होंने कोई भी चीज़ बोली कि हमको ये इनकरेक्ट लग रही है, तो हालांकि उनकी बात मानी तो नहीं जाएगी, बट एक ओपिनियन उनके माइंड में चल गया पार्लियामेंट्री कमेटी के माइंड में कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है. तो ऐसे में मे बी वो उनके ओपिनियन के ऊपर बेस्ड अपना खुद का कोई डिसीजन ले सकती है. तो ये कहीं ना कहीं कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है. जो भी बिल्स में उनको इनकरेक्ट या करेक्ट लग रहा है उसका इन्फ्लुएंस किस पे डालते हैं, वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे डालते हैं. एंड बहुत बार उनका जो ओपिनियन होता है वो बहुत बार करेक्ट भी प्रूव होता है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि कोई भी बिल बिना फेडरल काउंसिलर के अप्रूवल, एंड
एंड यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट आता है ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ फेडरल काउंसलर्स, कि फेडरल काउंसलर के पास क्या लेजिस्लेटिव पावर है उसका। तो यहाँ पर कोई भी बिल जो है लेजिस्लेचर के सामने तब तक नहीं आता जब तक उसे काउंसलर, कोई एक अप्रोप्रिएट फेडरल काउंसलर जो है उसे अच्छे से एग्जामिन ना कर ले, उसे कंसिडर ना कर ले, तब तक वो लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कुछ चार लेजिस्लेटिव पावर्स हमने देखी ऑफ द फेडरल काउंसलर्स। नाउ अब हम देखते हैं कुछ फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द फेडरल काउंसलर। हमने लेजिस्लेटिव पावर्स कवर कर ली, अब हम देखते हैं उनकी फाइनेंशियल पावर्स क्या है, मतलब मनी रिलेटेड पावर्स क्या हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड क्या पावर्स हो सकती है, तो वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो नाउ द फेडरल काउंसिल एडमिनिस्ट्रेट्स फेडरल फाइनेंस एज वेल, कि जो हमारी फेडरल काउंसिल है वो फेडरल फाइनेंस को भी एडमिनिस्टर करती है। जैसे कि क्या क्या, सबसे पहले फाइनेंशियल पावर आती है कि सबसे पहले वो क्या करते हैं कि जो भी एनुअल बजट होता है उसे प्रिपेयर करते हैं एंड किसके सामने प्रेजेंट करते हैं, फेडरल असेंबली के सामने प्रेजेंट करते हैं। फेडरल असेंबली, फिर से बता रही हूँ, लेजिस्लेचर ऑफ स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर फेडरल काउंसिल या जो स्विट्जरलैंड की एग्जीक्यूटिव है वो क्या करती है, एनुअल बजट को प्रिपेयर करती है और फेडरल असेंबली के सामने प्रेजेंट करती है। सेकेंड इज इट हैज टू सी दैट बजट इज पास बाय द असेंबली एंड उसको ये भी चेक रखना होता है कि वो बजट असेंबली पास कर दे, मतलब लेजिस्लेचर जो है उस बजट को पास भी कर दे, उसका भी उनको चेक रखना होता है। थर्ड पॉइंट आता है कि वो क्या करती है, रेवेन्यूज कलेक्ट करती है। कौन, एग्जीक्यूटिव और वी कैन से फेडरल काउंसिल जो है रेवेन्यूज कलेक्ट करती है और क्या सुपरवाइज करती है तो जो एक्सपेंडिचर है उसे सुपरवाइज करती है कि कितना क्या खर्चा हुआ है, कैसे कहाँ पे हो रहा है, तो उन सब चीज़ को सुपरवाइज करती है। ठीक है, तो अपन ने बोला रेवेन्यू भी कलेक्ट करती है एंड एक्सपेंडिचर को भी सुपरवाइज करती है एंड एनुअल बजट प्रिपेयर करती है और फेडरल असेंबली के सामने प्रेजेंट करती है। उसके अलावा ये भी चेक रखती है कि वो बजट फेडरल असेंबली पास कर दे, तो वो चीज़ का भी चेक रखती है। एंड लास्टली वो मैनेज करती है नेशनल अंडरटेकिंग सच एज रेलवेज। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग्स नहीं आएगा, यहाँ पे अंडरटेकिंग्स आएगा, मैंने बाय मिस्टेक जो है अंडरस्टैंडिंग लिख दिया, सो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, अंडरस्टैंडिंग नहीं अंडरटेकिंग। ओके, तो ये जितनी भी नेशनल अंडरटेकिंग्स है, मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उसे मैनेज करती है फेडरल काउंसिल, जैसे कि रेलवेज, तो उनको मैनेज करने का काम भी किसका है, फेडरल काउंसिल का। तो ये तो हुई कुछ फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द फेडरल काउंसिल। तो हमने लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्कस कर ली, हमने फाइनेंशियल पावर्स डिस्कस कर ली एंड अब हम चलते हैं किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव पावर्स के ऊपर।